अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबका स्वागत है अफरोज से किचन में। तो आज ईद स्पेशल कौन सी रेसिपी कर रहे हैं अम्मी? तो आज ईद स्पेशल मैं बनाने वाली हूँ शाही शुरकुमा। अरे वाह, मतलब शुरकुमा और शाही शुरकुमा, ये बहुत जबरदस्त लगता है। थोड़ा सेम वैसा ही रहता है, मगर इसमें थोड़ा अलग से और चीजें डाली जाती है, वो डालने से बोलते हैं इसे शाही शुरकुमा। अच्छा, है ना? और दूसरी बात क्या है, ऐसी शुरकुमे की रेसिपी गाइस मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग जाकर देख सकते हैं कुछ अलग अलग तरीके की। और दूसरी बात हो गई, बिरयानी की भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग जाकर देख सकते हैं अलग अलग तरीके की। यानी चिकन में भी है, मटन में भी, अलग अलग टाइप का कोरमा है, कोरमा भी है, दाल गोश्त है, बहुत सारी रेसिपी आपको हमारे YouTube चैनल मिल जाएगी। बस आपको सर्च करना है, आपको जो रेसिपी देखना है वो रेसिपी का नाम डालना है। हाँ। और आगे आपको अफरोज किचन डालना है, बस आपको सब रेसिपी आ जाएगी, मिल जाएगी, है ना? हाँ। तो चलिए अभी क्या करते हैं, हम ये शाही शुरकुमा बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी इसे आसानी से बना सकता है, इसे बनाना कोई भारी काम नहीं है। सिर्फ ड्राई फ्रूट को आपको कटिंग करके ले लेना है और उसे बनाना है, है ना सिर्फ? हाँ, तो चलिए अभी बनाते बनाते हम थोड़ी बहुत बातें भी करेंगे और टाइम वेस्ट करे बगैर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम दूध गर्म करने के लिए रख देते हैं। तो एक पतीला ली हूँ मैंने, एक पतीले के अंदर मैंने डाली हूँ 2 लीटर दूध। पहले पतीले को हमें अच्छी तरह से साफ कर लेना है, धो लेना है अच्छे से। धोने के बाद में उसमें थोड़ा गर्म पानी डाल के उसे फिर से खंगाल के लेना है और फिर उसके बाद में उसके अंदर दूध डालना है। अगर डायरेक्ट डाल दिए तो कभी हमारा दूध फट गया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। हाँ। तो इधर पे मैंने 2 लीटर दूध गर्म के लिए रखी हूँ। अभी दूध को हमें अच्छी तरह से गर्म कर लेना है उबाल आए तक का। इसमें एक दो उबाल आने लगेगा तो इसमें क्या करना है आगे मैं बताऊंगी। मगर गाइस एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, देखिए मैं तो आज आप लोगों को ये शुरकुमा बनाना बता रही हूँ, मगर पता है अभी मैं इसके अंदर दुनिया की नियामत डाल दूंगी, दुनिया की चीजें डाल दूंगी कि इसे अच्छा बनाने के लिए। माशाल्लाह अच्छा भी बन जाएगा, मगर ईद के दिन जो हमारे घर में शुरकुमा बनता है, ईद के दिन जो हमारे घर में बिरयानी बनती है, उसकी बात ही कुछ अलग होती है ना। उस दिन वो बिरयानी का और उस शुरकुमे का टेस्ट कुछ अलग ही होता है। चाहे आप उसमें ड्राई फ्रूट ना डालो, सिर्फ उसको दूध गर्म करके शक्कर और सेवई डाल के भी अगर उसको पिएगे ना तो उसका स्वाद बहुत अलग ही हो जाता है, क्योंकि रमजान के ईद का बात ही कुछ अलग होती है ना से? हाँ। तो मतलब मेरी ये सोच है, आप लोग की क्या सोच है ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो माशाल्लाह यहाँ पर हमारे दूध में उबाल आ चुका है। जब दूध में उबाल आ जाएगा, थोड़ा दूध हमारा पक जाएगा, तो यहाँ पे मैंने थोड़े से केसर के रेशे ली हूँ। अब ये गरम गरम दूध ये केसर में डालेंगे। थोड़ा सा गरम दूध डालने से क्या होता है, केसर का कलर अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने ली हूँ 2 चम्मच भर के मैंने मिल्क पाउडर ली हूँ। मिल्क पाउडर अगर आपको मिलता है तो यूज कीजिए, या नहीं तो इसकी जगह पे आप खोया भी डाल सकते हैं। खोया डालने का कैसे, जब पूरा शुरकुमा बन जाएगा तो ऊपर से आपको खोए छोड़ देना है, है ना? तो अभी ये मेरे को ये नहीं मिला यहाँ पर खोआ, अभी तो नहीं मिलेगा, ईद में मिलेगा। इसमें भी गरम दूध डाल देंगे। ये 2 चम्मच मिल्क पाउडर ली हूँ मैंने, मिल्क पाउडर में 2 दूध डाल दी मैंने थोड़ा सा। अब इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूंगी 1 चम्मच से, एकदम अच्छे से। ये देखिए दूध हमारा पकते रहेगा, दूध को हमें पकाते रहना है स्लो गैस पे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अभी इस उबलते हुए दूध में मैं डालूंगी 1/2 वाटी शक्कर। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, मैं 2 किलो बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें इतनी शक्कर डाल रही हूँ। अगर आप कम बना रहे तो कम डालिए, ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं जैसे कि 6 लीटर 7 लीटर अगर आप बना रहे तो ज्यादा शक्कर डालिए ना। जैसे कि 6 लीटर अगर आप बनाएंगे तो 6 लीटर में कम से कम आपको 1/4 किलो के लगभग शक्कर डालना, क्योंकि मिल्क मेट भी जाएगा इसके अंदर। शक्कर मैंने डाल दी हूँ, अभी शक्कर को हमें इसमें अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है, यानी शक्कर अच्छी तरह से पिघल जानी चाहिए। जब तक हम स्लो गैस पे दूध को पकाते रहेंगे। अभी एक तरफ मैंने यहाँ पे एक बर्तन रखी हूँ गर्म के लिए, बर्तन हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इसमें डालेंगे हम घी। तो यहाँ पर मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। देसी घी का इस्तेमाल करना गाइस बहुत अच्छा लगता है हमारा शुरकुमा। तो ये मैंने डाली हूँ कम से कम 3 चम्मच, ये चम्मच से भर के 1 चम्मच डाली हूँ पूरा, और छोटे चम्मच से आप डालेंगे तो 3 चम्मच डालना। अभी ये अच्छी तरह से पिघलने देंगे इसे।
यहाँ पे हमारा घी अभी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, गैस को स्लो कर देंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने ली हूँ यहाँ पे काजू, काजू को हमें भिगा देना है और इस तरह से लंबे लंबे में कटिंग कर लेना है। यहाँ पे मैंने बादाम ली हूँ, बादाम का हमें छिलका निकाल लेना है और इसे भी इस तरह से लंबे लंबे में कटिंग करना है। पिस्ते को भी हमें भिगा लेना है, भिगा के छिलका निकाल के इसे लंबे लंबे में कटिंग कर लेना है। यहाँ पे चारोली ली हूँ, चारोली को हमें भून लेना है, भून के सेंगदाने का छिलका हम कैसे निकालते हैं वैसे इसका छिलका निकाल लेना है। और ये खारीक है, खारीक को भी मैंने खारीक यानी खजूर, खजूर की भी निकाल देनी है और इसे लंबे लंबे में कटिंग कर देना है। और बादाम और काजू और ये पिस्ता, इन सबको क्या करना है, काटने के बाद में अलग अलग प्लेट में रख के इसे पंखे के नीचे रख के सुखा लेना है, तो ये अच्छी तरह से आपके कुरकुरे हो जाएगी। चलिए अभी हमारा घी गर्म हो चुका है ना, तो क्या करेंगे हम गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, क्योंकि ज़्यादा गर्म गर्म घी में हम डालेंगे तो हमारी ड्राई फ्रूट जल जाएगी। तो चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम बादाम डाल देंगे इसके अंदर। देखिए गैस को मैंने बंद कर दी क्योंकि हमारा ये ज़्यादा गर्म हो गया था। काजू डाल देंगे, पिस्ते डाल देंगे इसके अंदर, थोड़े थोड़े मैं बचा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा है। और चारोली डाल देंगे, चारोली हम पूरी डालेंगे। गैस को थोड़ा सा ऑन करेंगे और इसे हल्का हल्का सा भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है, कलर एकदम ज़्यादा चेंज नहीं करना है, हल्का सा ही भूनना है। अभी ये अच्छी तरह से भून के हो चुका है, अब इसमें हम खारीक भी डाल देंगे, खारीक को भी इसी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत लोग गाइस इसमें किशमिश भी डालते हैं, मगर हम किशमिश नहीं पसंद करते इसलिए मैं किशमिश नहीं डाल रही हूँ, है ना। अभी इसे अच्छे से मिक्स हो गया, देख सकते हैं आप लोग एकदम अच्छे से, इसका कलर भी मस्त हो गया। अब क्या करना है, इसे उठा लेना है और डायरेक्ट ही इसके अंदर डाल देना है। ये हमने डाल दिया इसके अंदर सारा, अभी हमें सेवई डालना भी बाकी है। अभी हमने ड्राई फ्रूट डाल दिए, अभी हम इसमें सेवई डालेंगे। ये सेवई जो होती है गाइस, ये जो वो रोल वाली जो सेवई होती है ना, वो वाली है, ये रेडीमेड है, इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है, ये और पहले से ही भुनी हुई रहती है और घी में लथपथ रहती है, ये घी में भरी हुई सेवई रहती है, तो इसे हमें भूनना नहीं है, इसे डायरेक्ट ही डाल देना है। और भुनने वाली कौन सी रहती है, भुनने वाली जो होती है वो लंबी जो पैकेट वाली आती है ना, जो लंबी पैकेट में, वो सेवई को थोड़ा सा घी डाल के आप भून लेना, मगर ये वाली सेवई को हमें भूनने की जरूरत नहीं रहती है, ये डायरेक्ट लाके मार्केट में मिलती है। देखो ऐसे बहुत सारे ऐसे टोकरी में लगाए रहते हैं, हाँ। है ना, रमजान में बहुत मिलती है, अपने इधर भी मिलती है, भाव साइड मिलती है कि नहीं पता नहीं, वो टोकरी में लगाए रहते हैं वो वाली सेवई है, तो इसे हमें भूनने की जरूरत नहीं, ये भुनी हुई रहती है। नहीं तो आप लोग बोले कि आपने सेवई को भुने नहीं कर दी। अभी सेवई मैंने डाल दी हूँ, मैंने कम से कम आधा वाटी सेवई डाली हूँ, सेवई का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है, हमें कम ही करना है। अभी इस पे हमने जो मिल्क पाउडर में दूध मिला के रखे थे वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, अच्छे से बर्तन को साफ करके। अभी हम इसमें डाल देंगे केसर वाला दूध, साथ ही में इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर आधा चम्मच, और इसके अंदर थोड़ा सा एक से दो बूंद केवड़ा एसेंट का डालूंगी, एक दो बूंद, है ना, इससे खुशबू अच्छी आएगी। केवड़ा एसेंट है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं केवड़ा एसेंट को आप लोग। ये देखिए सेवैयाँ कितनी अच्छी लग रही है हमारी। तो अभी यहाँ पे हमारे शुरकुमे में अच्छी तरह से उबाल आने लगा है, सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी है, बस हमें लास्ट में डालना है मिल्क मैक, तो मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा मिल्क मैक, माशाल्लाह ज़बरदस्त, है ना। तो ये एक डब्बा है तो मैं आधा ही डब्बा डाल रही हूँ, पूरा नहीं डालूंगी। अब मिल्क मैक डालने के बाद में फिर से हमें इसे एक उबाल ले लेना, उसके बाद में घास को बंद कर देना है। तो चलिए गाइस माशाल्लाह हमारा शुरकुमा बनकर रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग एकदम जबरदस्त और एकदम थिक बना है। अब हम बिस्मिल्लाह बोलकर इसे निकालेंगे एक बॉल में,
तो यहाँ पे आराम से एकदम निकालना है। माशाल्लाह ये देखिए कितना टेस्टी है। जैसे कि हम लोग जो है ना सुरकुमे के अंदर जो बादाम काजू जो यूज करते हैं ना उसे ना थोड़ा सा लाल करते हैं, क्योंकि उसके जो कच्चेपन की जो कसर है वो निकल जानी चाहिए, है ना। बहुत लोग जो है ज्यादा लाल नहीं करते, ऐसी मतलब थोड़ा जैसा कलर रहता है वैसे ही रखते, खाली घी में हल्का सा फ्राई कर लेते। और बहुत लोग सुरकुमे में ये भी डालते ना काली मिरी, इलायची, लौंग, वो नहीं अपन नहीं हम नहीं डालते वो सब चीजें, है ना। इसमें हम लोग सिर्फ खजूर डालते हैं, किशमिश भी डालती हूँ मैं, जैसे कि मनु के भी डालती हूँ, मगर अभी मेरे पास नहीं थे करके मैंने नहीं डाली। माशाल्लाह माशाल्लाह एकदम घट बना, एकदम जबरदस्त है। ड्राई फ्रूट की भी क्वांटिटी एकदम बराबर है और हमारे सेवई की क्वांटिटी भी एकदम बराबर है। सुरकुमे में ड्राई फ्रूट बहुत रहना ही चाहिए। हाँ, अच्छे क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट रहना चाहिए। ये तो बात बराबर है। मुंह में खाने के समय जब हम सुरकुमा पीते तो उसमें ड्राई फ्रूट आएंगे तो ही हमें वो मजेदार लगता है ना। हाँ। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी और डाल देती हूँ, घी भी डाल देती हूँ। घी भी मैंने एकदम मस्त यूज की हूँ, ये देखिए एकदम जबरदस्त एकदम टेस्टी बना है, बहुत अच्छा बना है। एक बार आप बनाइए मेरे ईद के दिन आप लोग इसे जरूर बनाना। हाँ। और हम लोग को अपने हमारे इंस्टाग्राम आईडी afroshek95 पे फोटो जरूर भेजना। हाँ। के बोलना कि अफरोजापा आज हम लोग ने ईद के दिन आपका सुरकुमा देख के हम लोग ने ट्राई किए। तो देखिए माशाल्लाह एकदम ठीक लग रहा है, कलर भी कितना अच्छा लग रहा है। और एकदम कभी भी ना थोड़े से ड्राई फ्रूट को ना थोड़ा लाल करना, एकदम जैसा कलर रहता है वैसा ही मत डालना। लाल करने से क्या होता है पता है कि हमारे जो सुरकुमे का कलर है ना वो हल्का सा चेंज हो जाता है। हाँ। जैसे देखिए अपना थोड़ा क्रीमी दिख रहा है। हाँ। नहीं तो फिर वो ऐसा लगेगा कि दूध के अंदर हमने बादाम काजू को डाल दिए, बराबर सिर्फ दूध के अंदर बादाम काजू डाल दिए और पी रहे हैं, फिर वैसा लगेगा। और थोड़ा सुरकुमे को ऐसा ठीक रखना यानी घट रखना या खाने के समय भी हमें मजा आए, बराबर। तो यहाँ पे हमारा सेवई बनकर रेडी हो चुकी है। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की सुरकुमे की रेसिपी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और गाइस बहुत सारी रेसिपी मेरी बिरयानी की है, जाके एक बार चेक जरूर करना। तो चले गाइस यहाँ पर सुरकुमा हो चुका है, कैसा लगा आप लोगों को हमारा सुरकुमा मुझे कमेंट में जरूर बताना। और इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना, मेरे यूट्यूब चैनल। और एडवांस में आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।